सोमवार को सीबीआई की टीम ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर छापा मारा। ये छापेमारी लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले को लेकर हुई। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल नोएडा से जोड़ने वाले आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली के सीएम ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये प्रतिक्रिया दी। वो गलत है, इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। सर, कल ही आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कम से कम 8 से 9 विपक्ष के नेताओं ने, उसके बाद आज छापा, क्या उससे जोड़कर दिख रहे हैं इस मामले को? उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से एक ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। बता दें कि केजरीवाल ने लालू परिवार का साथ ऐसे वक्त पर दिया है जब एक दिन पहले ही लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा था। वहीं ये भी दिलचस्प है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल किसी समय लालू मुलायम जैसे नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन सीबीआई के एक्शन ने उन्हें इन दलों के करीब ला दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के एक्शन को लेकर विपक्ष के कई दल एक साथ आ रहे हैं। एक दिन पहले ही 8 दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर इस मामले पर नाराजगी व्यक्त की थी।